हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग गाइस। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं जा रही हूँ बहुत दूर कहीं, मतलब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड की शादी में। और उनका शादी है यहाँ से काफ़ी दूर, मतलब यहाँ से 8 एंड 9 आवर्स लगेगा। मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ बट उनका जो गाँव है वो औरंगाबाद से आगे जालना करके है, आप जानते ही होंगे। औरंगाबाद से आगे है, जालना करके है, वहाँ पर है। तो औरंगाबाद यहाँ से 8 आवर्स के अराउंड है एंड जालना उससे थोड़ा सा और आगे ही है, मतलब 100 किलोमीटर आगे है। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड मेरा कोई प्लानिंग नहीं था जाने का, मेरे हस्बैंड का प्लानिंग था जाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड एकदम अकेले हो गए। एंड उन लोग का भी शर्त ये था कि आना तो भाभी को लेकर आना, नहीं तो मत लेकर, नहीं तो तुम भी मत आना, तो आना तो दोनों जन साथ में ही आना। तो मैं अभी अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और मैं हम लोग जा रहे हैं अपने ही गाड़ी से, जो हमारा गाड़ी है उसी से ही जा रहे हैं। सो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं, आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर करेंगे। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग के साथ स्टार्ट कर दिया जाए ब्लॉग, बाकी बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी, बोलती रहूँगी। एंड चलो चलती हूँ, कैसी लग रही है मैं जरूर बताना। मैं इसका गेट रेडी विथ मी शेयर किया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ओके सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं थोड़ा होटल पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि 100 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ के बाद पहाड़ी चालू हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए कुछ जो भी खाना है हल्का फुल्का यहीं पे खा लेंगे। ओके चलो चलते। इतना सो गाइस, आप देख सकते हो यही ढाबा है ना, इसी ढाबे पे हम लोग रुके थे। आप देख सकते हो सामने सब, यहाँ से पहाड़ ऊंचाई स्टार्ट हो रहा है ना घाटी। सो चलो हम लोगों ने खा लिया, अब जा रहे हैं। क्या खाया? वड़ा, उसल पाव, बस सिंपल था और कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। पता नहीं क्यों मैं बैक कैमरा में बात कर रही थी, इसके लिए मैं फ्रंट कैमरा में बात कर रही हूँ। बाकी स्प्राइट भी लिया है ताकि जो भी पाव खाया है उसको थोड़ा पच जाए, हाँ डाइजेशन के लिए। सो चलो अब चलते हैं। अब गाड़ी वैसे 100 किलोमीटर आ गए है ना? नहीं, कितना आया है? 60 किलोमीटर ही अभी तक आए थे, बट अब यहाँ से घाटी चालू हो रहा है तो इसके लिए हस्बैंड बोले कि कहीं रुक जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब यहाँ से अब कुछ मिलेगा तो नहीं घाटी पे। तो चलो सामने वाला पहाड़ देखो, इसमें उतना पता नहीं चल रहा है मोबाइल में, लेकिन लास्ट मार्केट है। इस बार पूरा घाटी चालू हो जाएगा ना, लेकिन सामने वाला इतना ऊंचा है हम लोग को दिख रहा है, लेकिन कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा है, ऐसे भी नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ से कम से 25 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्लियर दिख तो रहा है ना, दिख रहा है कितना है, 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन मोबाइल में लग रहा है बहुत दूर है। मोबाइल लग रहा है ना 25 किलोमीटर, ऐसे नहीं लग रहा है 25 किलोमीटर है, ऐसा लग रहा है सामने ही दौड़ के पहुंच जाओगे, जितना आगे जाओगे देखो उतना पीछे चला जाता है। सो घाटी ख़त्म हो गया है, तो बहुत चेक वेक करना ज़रूरी होता है दूर के ट्रेवल में, यही होता है कि थोड़ा गाड़ी को ध्यान देते हुए चलना पड़ता है। सी द व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस पहाड़ 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 एंड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एकदम मस्त रोड, हरा हरा हरा, आप देख सकते हो। सी
सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, अगर आगे कहीं रुकेंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. ओके सो अभी हम लोग निकल रहे हैं. सो अभी हम लोग जा रहे हैं सीएनजी डलवाने. बड़ा लंबा लाइन है, काफ़ी हम लोग आगे आ गए हैं. हमारे पीछे भी लाइन है, नहीं है ना? चलो वैसे भी इधर बहुत लाइन मिलता है लेकिन इधर उतना लाइन नहीं है. सो गाइस अभी हम लोग अहमदनगर आ गए हैं और यहाँ से औरंगाबाद अभी 110 किलोमीटर है. सही बोला ना, अभी 110 किलोमीटर है तो 1.5-2 घंटा लगेगा अभी यहाँ से औरंगाबाद पहुँचने में. मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे दूँ कि अभी अहमदनगर आए हैं. बंद कर देना. सो गाइस हम लोग होटल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं होटल में ही है फिलहाल. छोटा सा मैं आपको होटल दिखा देती हूँ, बहुत ही छोटा सा है, स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जा रहा, तो कोई बात नहीं. वैसे भी हम लोग को बस कल तक ही रुकना है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है. बस लाइटिंग थोड़ा सा, एक ही लाइट है, बाकी तो सब कुछ मस्त है. सो अभी होटल आ गए हैं, थोड़ा देर अभी फ्रेश होंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए, डिनर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है. 11 बज रहा है ना, 11 बज रहा है, तो जल्दी खाएंगे फिर जल्दी सो जाएंगे. बट अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ. सो ये है होटल का मेन गेट एंड उसके जस्ट अपोजिट में है ये वॉशरूम. वॉशरूम ठीक है, क्लीन है. सबसे बड़ी बात ये है कि क्लीन होना चाहिए, होटल जैसा भी हो लेकिन क्लीन होना चाहिए, क्योंकि क्लीन नहीं रहता तो बिल्कुल भी. फिर ये एक दिया गया है मिरर, बट इसमें बस एक ही फॉल्ट था कि लाइट बहुत कम था. फिर ये था टीवी और ये था रखने के लिए सामान, अलमीरा टाइप का छोटा सा. आप कोई भी सामान रख सकते हो, बट हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, ना ही हम लोगों ने टीवी यूज़ किया. बस एक लाइट दिया गया है, एसी भी था एंड कर्टन्स लगे हुए थे विंडो पे एंड बहुत अच्छा बेडशीट वेडशीट सब कुछ सही था, क्लीन था. सो हम लोगों ने डिनर में नान रोटी, राइस, दाल तड़का एंड मटर पनीर ऑर्डर किया था, जो हम लोगों का खाने का भी मन था और काफ़ी सिंपल भी हो जाता ना तो अच्छा लगता है, ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं करता है. सो अब हम लोग अपने होटल आ गए थे. एक रात हम लोगों ने औरंगाबाद स्टे किया था, क्योंकि अभी आगे औरंगाबाद यहाँ से काफ़ी दूर है, गाड़ी चला के जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, कंटिन्यू जाते ही जाओ. फिर यहाँ से अभी 100-150 किलोमीटर और दूर था फ्रेंड का घर, क्योंकि वो गाँव साइड है ना प्रॉपर, इसके लिए काफ़ी दूर था. सो अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को. ओके okay?